राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार सुबह निधन हो गया है। वह कोरोना संक्रमित थे और गुरुग्राम के अल्ट्रा मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण मंगलवार रात उनकी हालत नाजुक हो गई थी। 86 साल के चौधरी अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे। पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद बेटे जयंत चौधरी ने शोक व्यक्त किया है। जयंत चौधरी ने अपने पिता का एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्वीट किया है, चौधरी साहब नहीं रहे। शेयर किया गया पोस्ट लिखा, चौधरी अजीत सिंह जी 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। आज प्रत 6 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। असीम दुख की घड़ी है, अंतिम समय तक भी चौधरी संघर्ष करते रहे। जीवन पद पर चलते हुए चौधरी साहब को बहुत लोगों का साथ मिला। यह रिश्ता चौधरी साहब के लिए हमेशा प्रिय था। चौधरी साहब ने आप सबको अपने परिवार माना और आप ही के लिए हमेशा चिंता की। आज इस दुख और महामारी काल में हमारी आपसे प्रार्थना है और अपना पूरा ध्यान रखें, संभव हो तो अपने घर पर रहें, सावधानी ज़रूर बरतें। इस देश के लिए कर रहे सेवा डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मचारी की मदद भी मिलेगी और यह ही चौधरी साहब को आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब इस महामारी में जूझ रहे सभी परिवार प्रति अपने भावपूर्वक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह किसानों के बड़े नेता थे। जो आज किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोदी जी, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मोदी जी भाषण इतना बढ़िया देते, अगर भाषण से पेट भर जाता तो मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई मिलने वाला नहीं। फकीर बनने की बात कर रहे भैया, 2.5 साल में जितने सूट पहने ना, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, और दिन में 3 सूट पहनते हैं, तो भैया फकीर तो आप बन। किसान नेता राकेश टिकैत जी का कहना है, मैंने आज एक अच्छा दोस्त खो दिया। कमीशन के बाद केंद्र सरकार के चपरासी की आय 18,000 रुपया, सातवें पे कमीशन के बाद